हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहांगीर के साथ हम हमजा रात्रि में चैनल पाकिस्तान रिएक्ट। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और जबरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए। बेसिकली फेमस प्लेयर वो वेंट अनसोल्ड इन आईपीएल ऑक्शन 2022। ये काफी झटके वाली बात है। बेसिकली इतने फेमस प्लेयर मुझे इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, इनको खरीदा ही किसी ने नहीं, ये कैसे हो सकता है? सही बात, ये देखने वाली बात है। ऐसा क्यों है आखिर? कोई वजह थी, कोई रीजन क्या है? जो जो तस्वीर के तीन रुख हैं, तीन प्लेयर्स हैं ना, वो तो मैं नामुमकिन लगता है मुझे। वैसे तो ये हैरान कुन है कि इंग्लैंड के कैप्टन को किसी ने नहीं लिया। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे है ना? तो देख, थोड़ी बनाया होगा। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए दिल टूटने वाला मोमेंट उस समय आया जब खबर आई कि मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। बहुत दुखद बात। आईपीएल ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला, यहां तक कि चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आखिर क्यों? वेल, आकाश चोपड़ा के शब्दों में कहूं तो इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में बेस्ट प्लेयर्स नहीं खेलते, यहाँ बेस्ट ऑफ बेस्ट का कंपटीशन होता है। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स के बारे में और कौन होगा जिनको आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कोई बायर नसीब नहीं हुआ। नंबर 10, योविन मॉर्गन। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ उतरे इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन योविन मॉर्गन को किसी ने नहीं खरीदा। ताज्जुब की बात तो ये है कि वही प्लेयर हैं जिन्होंने 2021 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल तक की अनबिलीवेबल जर्नी में लीड किया था। हाँ, ये बात सच है कि बैट से उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था और उन्होंने 17 मैचेस में सिर्फ 133 रन बनाए थे। एक तरफ जहां टीम्स ने कैप्टन की तलाश में 10 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगा डाली, वहां मॉर्गन भी 1.5 करोड़ में एक स्मार्ट बाय हो सकते थे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। 10 करोड़ में भी नंबर 9, अमित मिश्रा। दोस्तों, अमित मिश्रा भारत के एक ऐसे लेग स्पिनर रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उन्हें बड़े मौके कभी नहीं मिले। मिश्रा आईपीएल के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले इंडियन बॉलर भी हैं। उन्होंने आईपीएल के 154 मैचेस में 166 विकेट्स लिए हैं। उनसे आगे सिर्फ लसित मलिंगा और ड्वेन ब्रावो ही हैं। लेकिन वो एक बात जो मिश्रा के अगेंस्ट जाती है वो है उनकी एज, जो अब 39 साल की हो चुकी है। इसी वजह से यही कारण है कि अमित मिश्रा अब किसी भी टीम में फिट नहीं बैठते। नंबर 8, स्टीव स्मिथ। दोस्तों, जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है तो स्मिथ वर्ल्ड नंबर 2 बैट्समैन है, क्यों नहीं लिया? लेकिन T20 में उनका परफॉर्मेंस कभी भी खास नहीं रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट बेहद कम रहती है और एक फॉरेन प्लेयर के रूप में वो टीम में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। साल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 8 मैचेस में 152 रन बनाए थे, जिनमें उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 112.59 की रही थी। दूसरी ओर स्टीव स्मिथ और कॉन्ट्रोवर्सी का रिलेशनशिप काफी सॉलिड है, कोई भी टीम उनके कारण अपनी इमेज पर दाग नहीं लगाना चाहती। शकीब अल हसन बांग्लादेश के उन 2 से 3 प्लेयर्स में गिने जाते हैं जिन्हें रेगुलरली आईपीएल में शामिल होने का मौका मिलता रहता है। कारण है शकीब की ऑलराउंड स्किल्स। शकीब अल हसन टीम्स के लिए एक एसेट साबित नहीं हुए हैं। सही बात है। दूसरी ओर उनकी बैटिंग स्टाइल T20 क्रिकेट को मैच नहीं करती और वो लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। यही कारण है कि 2 करोड़ की बेस प्राइस पर शकीब में किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नंबर 6, तबरेज़ शामसी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के तबरेज़ शामसी आज दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर हैं, लेकिन आईपीएल 2022 में उनके लिए कोई जगह नहीं है। साल 2016 के आईपीएल में वो आरसीबी की ओर से खेले थे और 2021 में राजस्थान ने उन्हें टीम में जगह दी थी, लेकिन आईपीएल में खेले टोटल 5 मैचेस में उन्हें सिर्फ 3 विकेट्स हासिल हुए और उन्होंने 9.05 की इकोनॉमी से रन लुटाए। शामसी भले ही वर्ल्ड्स नंबर 1 के टाइटल पर पहुंच गए हों, लेकिन सच ये है कि बड़ी टीम्स के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा है और आईपीएल में एवरेज प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ी बात है। नंबर 5, ऐसे तो कई मुजीब उर रहमान। दोस्तों, अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मुजीब उर रहमान दुनिया भर की T20 लीग्स में हाई डिमांड पर रहते हैं, जहां वो बैट्समैन को अपनी स्पिन के जादू से नचाते हुए नजर आते हैं। आईपीएल में भी उन्हें काफी मौके मिले, लेकिन यहाँ पर उनकी स्पिन का जादू कभी भी नहीं चला है। इंडियन प्लेयर्स स्पिनर्स को खेलने में माहिर होते हैं और उनके सामने मुजीब की सभी चालें फेल हो जाती हैं। दूसरी ओर मुजीब की बेस प्राइस भी 2 करोड़ थी, जो काफी ज्यादा थी और वो एक बैकअप स्पिनर के रूप में भी नहीं खरीदे जा सकते थे।
नंबर फोर डेविड मलान। अब बात ये भी तो वर्ल्ड नंबर वन के धाकड़ बैट्समैन डेविड मलान दुनिया के टॉप 5 टी20 बैट्समैन में गिने जाते हैं। नंबर 2 पे तो आईपीएल ऑक्शन में उन्हें कोई बायर नहीं मिला। डेविड मलान की बेस प्राइस 1.5 करोड़ थी, लेकिन उनकी रियल वैल्यू किसी भी आईपीएल टीम के क्राइटेरिया में फिट नहीं होती। आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स ने मलान को खरीदा था और उन्हें सिर्फ एक मैच में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 26 रन बनाए थे। डेविड मलान का जादू इंडियन पिचेस पर नहीं चलने वाला था और इसलिए किसी भी टीम ने उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नंबर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्टिन गप्टिल इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने 112 टी20 मैचेस में 136 की स्ट्राइक रेट से 3,299 रन बनाए हैं, जिनमें 2 सेंचुरीज भी शामिल हैं। बात स्टैट्स की करें तो मार्टिन गप्टिल रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी आगे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आईपीएल टीम्स उन्हें कंसिडर नहीं करती हैं। उन्होंने आईपीएल के 13 मैचेस में 137.75 के अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से 270 रन बनाए हैं, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। अब जरा आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर मार्टिन गप्टिल आईपीएल में कंसिडर क्यों नहीं किए जाते। अच्छा, कभी भी नहीं करते। नंबर 2, एरन फिंच। दोस्तों, एरन फिंच ने अपना आईपीएल डेब्यू 2010 में किया था और तब से लेकर 2021 तक वो 8 अलग अलग टीम्स के लिए खेल चुके हैं। इस साल भी फिंच 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। आपको बता दूं कि एरन फिंच उसी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे जिन्होंने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जिताया था। ऐसे में कई टीम्स इन्हें कैप्टन के रूप में कंसिडर कर सकती थी। नंबर 1, सुरेश रैना। उस प्लेयर की जिसके अनसोल्ड होने पर सभी क्रिकेट फैंस दुखी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेश रैना की। हम सभी आस लगाए हुए थे कि सुरेश रैना को सीएसके वापस खरीद लेगी और इस लेजेंड को हम एक बार फिर से एमएस धोनी के साथ खेलते हुए देखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रैना की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन फिर भी किसी ने रैना को नहीं खरीदा। हैरानी की बात तो ये रही कि सीएसके के पास 2 करोड़ से ज्यादा पर्स बैलेंस बचा हुआ था। अच्छा। और वो चाहते तो किसी एक डोमेस्टिक प्लेयर की जगह रैना को खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की। आरसीबी और पंजाब जैसी टीम्स के पास भी आखिरी समय पर 2 करोड़ से ज्यादा फंड्स थे, लेकिन सुरेश रैना को आखिरी मौका देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वैसे क्या आप भी सुरेश रैना को आईपीएल में देखना चाहते थे? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को चाहते यार, वैसे होना चाहिए था भाई। इतने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, मैं हैरान हूँ। वैसे सही बात है, डेविड मलान वर्ल्ड नंबर 2 है इस वक्त। मार्टिन गप्टिल जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन, मुख्तलिफ लीग्स में भी खेलते रहे। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन अभी वर्ल्ड कप जीतवा के आ रहे हैं। एरन फिंच ठीक है, मान लिया स्टीव स्मिथ की परफॉर्मेंस नहीं थी, मान लिया एन मॉर्गन की परफॉर्मेंस नहीं थी, मान लिया कि शाकिब उल हसन की भी परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस की बेस पे होना चाहिए। इन तीनों की तो परफॉर्मेंस नहीं, मुजीबुर रहमान को भी मान लिया ठीक है, लेकिन एक और भी था ना, मोहम्मद नबी को भी किसी ने नहीं लिया। जहाँ तक मेरे सूत्रों के अनुसार जो मुझे बताया कि मोहम्मद नबी को भी किसी ने नहीं लिया। नहीं लिया मैंने खबर सुनी है, मोहम्मद नबी को किसी ने नहीं खरीदा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना है। बहरहाल बात यहाँ पे ये हो रही है कि सुपर से भी ऊपर वाले प्लेयर चाहिए यहाँ पे। ठीक, जाहिर ही बात है पीएसएल जरूर सुपर से। कितनी टीम्स हैं इस बार सुपर से ऊपर? कुछ प्लेयर्स तो 8 ही टीम्स हैं जिनको कोई अभी तक तो 8 ही टीम्स है ना? नहीं 10 टीमें हो गई है ना। हाँ, 10 हो गई है। कौन कौन सी आई है? एक तो गुजरात लाइन आई है हमें। अच्छा, और दूसरी वो क्या नाम है, डेढ़ की बिरयानी बड़ी मशहूर है, हैदराबादी? नहीं हैदराबाद की बिरयानी, लखनऊ की बिरयानी कहाँ से आ गई भाई? हैदराबाद की बिरयानी लखनऊ की भी होती है यार। मैंने कभी लखनऊ की बिरयानी। ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे कहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड की वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट्स।